हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज देखिए आपके सामने केन स्टार का कूलर है। इसमें प्रॉब्लम है कि जब लाइन इसमें देते हैं तो इसमें स्पीड बहुत कम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको हाथ से घुमाने पड़ता है या पेचकस स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं तब जाकर ये घूमता है। तो देखिए इसमें इस तरह के प्रॉब्लम में दो तो तीन तरह का फॉल्ट होता है। तो इसमें बूस्ट भी जाम हो सकता है, धुरा भी जाम हो सकता है और सबसे ज़्यादा कंडेंसर का ही प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कंडेंसर लगा हुआ रहता है उसे हम चेक कर लेंगे कि इसका कंडेंसर सही है या ख़राब है। तो देखिए यही कंडेंसर है, इसे हम ओपन कर लिए हैं, निकाल लिए हैं इससे। और देखिए इसे हम अब चार्ज कर देखेंगे कि ये मेरा कंडेंसर वीक है या सही है। तो देखिए इस तरह से इसे हम सबसे पहले इसे चार्ज करने का काम करेंगे और चार्ज कर इसे हम शॉर्ट कर देखेंगे कि ये मेरा शॉर्ट कर रहा है तो कैसा आवाज़ कर रहा है। तो देखिए इस तरह से हम इसे चार्ज कर लेते हैं और चार्ज करने के बाद इसे हम इस पेचकस से शॉर्ट करेंगे। तो देखिए बहुत हल्का स्लो, बहुत हल्का ही शॉर्टिंग था। तो इस तरह से इसमें इसका नंबर है 5 MFD। तो इसके जगह पर देखिए हम हावेल्स का दो कंडेंसर 2.5 और 2.5 लगाकर इसको हम आपस में पायलर बनाकर इसके जगह पर हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 MFD का मेरे पास कंडेंसर नहीं है। तो हम इसे पैरेलल में ही कर आपस में जोड़कर इसे लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम पैरेलल में कर दिए हैं और इस कंडेंसर को हम जितना नंबर का हुआ है उतना नंबर का सेम बना लिए हैं। और इसे हम अब इस दोनों तार में हम टेप कर लेंगे, इस तरह से सही से जोड़ देना है ताकि स्पार्किंग ना हो, और टेप भी अच्छा से करना है। तो इस तरह से इसे हम बढ़िया से इसको जोड़ लिए हैं। अब इसमें हम टेप कर लेते हैं और टेप करके फिर आपको देखिए आगे दिखाते हैं। तो बारी बारी से दोनों में टेप कर लेंगे। अब इस अब इसमें भी इस उसी तरह से टेप करना है। तो देखिए इसका कनेक्शन का काम हो गया है। और देखिए पहले इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ था तो इसमें तो एक सेटिंग हो रहा था, लेकिन इसमें अब हम दो कैपेसिटर लगाए हैं तो इसमें दोनों कैपेसिटर सेटिंग नहीं होगा। तो एक कैपेसिटर को इसमें हम सेटिंग कर लेते हैं और एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा बढ़ाता है। तो क्या करते हैं, दोनों कैपेसिटर को मिलाकर बेल्ट के सहारे हम इसे एक साथ कर लेंगे और अच्छे जगह पर लगा लेंगे ताकि जहाँ पे पानी जो पंप से आता है, जो फुहारा ऊपर की ओर से नीचे की ओर गिरता है, वहाँ से दूरी रहे ताकि इस पर पानी पड़ने का आंस ना रहे। तो इस तरह से देखिए इसको हम सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि पहले एक कैपेसिटर था तो उसका स्थान दिया हुआ था, उसका जगह था कवर में लगाने का, अब तो उसमें नहीं लग सकता है तो इसे हम दूसरा जगह ही लगा लेंगे क्योंकि वहाँ पर तो लगाने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से देखिए हम दूसरे जगह पे ये मोटर के बगल में इसको हम इस बेल्ट के सहारे यहाँ पे लगा दिए। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, तो देखिए इस कंडेंसर को तो लगा दिए हैं, अब आपको हम आगे दिखा दें। देखिए यही मोटर है और मोटर देखिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है। देखिए ये धुरा जो है, इसका जो धुरा है जहाँ से कि
बुश के सहारे जो धुरा घूमता है वो भी एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई ढक नहीं है, कोई अति टाल नहीं जल रहा है। तो मेरा ये बिल्कुल सही है, ये 100% कैपेसिटर का ही फॉल्ट होगा। तो हम कैपेसिटर लगा लिए हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए, हम लाइन देकर दिखाते हैं आपको कि मेरा स्पीड पहले जो स्पीड चल रहा था उससे तेज़ हुआ कि नहीं। तो देखिए, हम आपको लाइन दे दिए हैं। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये मेरा देखिए लाइन आ गया है, और इसका हम स्पीड बढ़ा कर दिखाएंगे। देखिए चलने लगा है, और इसका स्पीड भी देखिए ठीक है। देखिए स्विंग भी कर रहा है। तो ये देखिए, सेम जिस तरह से नया में चल रहा था उसी तरह से चल रहा है, और स्पीड भी बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को प्रेस कर लें, ताकि जो भी अगला वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट